1000 GML जो है वो 1 मिनट के अंदर आप जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, बग़ैर किसी फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के। सारा प्रोसेस वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि सेम अपडेट आपको डेली बेसिस पे मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। अब क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक नया टैब जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपने gmailgenerator.com यहाँ पे आपने सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसको। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट पे एक वेबसाइट आ जाएगा जिसका नाम है generator.email। तो सिंपल से आप इसी वेबसाइट को हम यहाँ से ओपन करते हैं। अब वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके थ्रू 1000 जीमेल जो है किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। शायद इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको पहले से पता हो, अगर नहीं पता तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, सारा प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। वो अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे generator@gmail.com यहाँ पे लिखा है, सही है। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, सही है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल जो है वो यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जनरेट के बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद में यहाँ पे ईमेल जो है वो यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ईमेल जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे 256 है, सही है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया और यहाँ पे मैंने पेज जो है वो एक ही सेलेक्ट किया था। तो अगर यहाँ पे आप चाहें तो आप 12 पेजेस जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने उसको मैं बैक कर लेता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे 12 पेजेस जो है वो भी ऐड लगा सकते हैं, 12 पेजेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जीमेल एनालिसिस पर पेज, इसके आगे यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसको आप यहाँ से 2000 सेलेक्ट कर सकते हैं, 4000 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से 4000 को सेलेक्ट करोगे ना, तो आप कम से कम यहाँ से तकरीबन 2000 के करीब आपको यहाँ से ईमेल जो है वो मिल जाएगा। तो उसके बाद इन सबको आपने यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं ये सारी ईमेल जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपनी किसी टैब में जो है नोटपैड में आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये ईमेल जो है वो यहाँ पे तो जनरेट हो गए हैं, लेकिन इनका पासवर्ड जो है वो क्या होगा। तो पासवर्ड आपका वही होगा जो आपने फर्स्ट पे पहला यहाँ पे आपने जो ईमेल डाला हुआ था। तो ईमेल मतलब ईमेल जो है, ईमेल अकाउंट आपके मुख्तलिफ होंगे और पासवर्ड सारों का एक होगा, सही है, जो आपने पहले यहाँ पे डाला हुआ था, सही है। तो इस तरीके से इसलिए आप अपना जो है अनलिमिटेड जीमेल जो है वो ऐसे जनरेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद की जरूरत में से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।